मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने पांडु ये व्याधि लेके आया हूं। जैसे देखा जाए तो ये पांडु ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, लेकिन हम मॉडर्न के हिसाब से उसको क्या देखते हैं, एनीमिया। लेकिन ये ग्रहणी के बाद आया हुआ ये डिसीज है पांडु, तो ये मेटाबॉलिज्म ही है और एनीमिया इसमें रक्त क्षय होता है, यहाँ पे एक लक्षण है रक्त क्षय का। लेकिन पांडु ये पित्त दोष वाला व्याधि है, समुदीर्णम यदा पित्तम, तो इसमें पित्त बड़ा हुआ रहता है। तो अगर पित्त बड़ा है तो रक्त कम कैसे, ये बेसिक क्वेश्चन है। मतलब पित्त और रक्त का आश्रय भाव है, अगर पित्त बढ़ेगा तो उसके हिसाब से रक्त भी बढ़ेगा। लेकिन पांडु में कैसा होता है कि सो अल्प रक्त अल्प मेदस्को, इसमें अल्प रक्त और अल्प मेद की क्षय होती है और निस्सार, मतलब मैक्सिमम जो धातु है वो भी निस्सार होते हैं, सभी निस्सार होते हैं, लेकिन ज्यादातर रक्त और मेद की उसमें क्षय होता है। तो इसीलिए उसको हम पांडु को हम एनीमिया देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पांडु ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, इसका डल्लन ने अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। उन्होंने बताया दोष दूषित्वात् परम प्रसाद परंपरा, प्रसाद परंपरा मतलब, प्रसाद परंपरा मतलब मेटाबॉलिज्म, प्रसाद परंपरा अपुष्ट ही, मतलब ये क्या होता है अपुष्ट, मतलब ये खंडित हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। सत्यम ये बराबर है, लेकिन इसमें जब रस रक्त मांस मेद ऐसे एक 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 धातु जब बढ़ते हैं तो इसमें रस आहार से रस धातु बनता है और रस से रक्त धातु बनता है। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है रस का रक्त में कन्वर्जन होना, तो यहाँ पे बोला है कि किट्ट बाहुल्यात, तो रस का रक्त में जब कन्वर्जन होता है तो किट्ट बाहुल्यात पित्तम अधिक्यम, तो यहाँ पे पित्त ज्यादा बनता है जो कि रक्त बनना चाहिए, तो यहाँ पे किट्ट बाहुल्यात, तो रस से पित्त ये ज्यादा बना है, इसी वजह से रक्त कम बनता है। तो ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। तो अकॉर्डिंग टू एलोपैथी अगर हम जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू एलोपैथी तो एनीमिया के तीन टाइप बताया है, एक ब्लड लॉस वाला एनीमिया बताया है, दूसरा बताया है कि डिक्रीज फॉल्टी आरबीसी प्रोडक्शन, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, इसके वजह से आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं और आरबीसी से हीम और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन और यहाँ पे पित्त ज्यादा बनता है। तो बिकॉज ऑफ दिस 120 डेज आरबीसी अपना लेता नहीं है, उसके वजह से पित्त ज्यादा बनता है और रक्त कम बनता है। और थर्ड जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जो कि हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइटिक होता है, उसके वजह से भी ये जो फेज है ये भी एनीमिया का है। इसके बाद में जो होने वाली जो फेज है वो है जॉन्डिस। तो पांडु रोगी तो अत्यंत पित्तलनु सेवे जब होता है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ज्यादा होता है और जॉन्डिस होता है। तो ये देखा जाए तो पांडु और एनीमिया को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, हमें उसमें देखना है कि एग्जैक्टली दोनों में फर्क यह है कि पांडु ये मेटाबॉलिज्म वाला डिसीज है, इसीलिए ग्रहणी के बाद पांडु आया है, वो एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मेटाबॉलिज्म वाला डिसीज है। इसीलिए हमें जब भी कल्प यूज करने हैं तो कल्प यूज करना है तो उसमें हमें अग्नि को बढ़ाना है। तो मैं पांडु के दो कल्प यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, दो ही कल्प, ज्यादा नहीं लूंगा, बिकॉज पांडु के हर एक कल्प में अगर आप चक्रदत्त अगर आप लेते हो, चक्रदत्त लो या भेषज रत्नावली, तो हर एक कल्प में लोह आया हुआ है। लोह का और पांडु का और एनीमिया का क्या संबंध है, वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, जो इसमें आने वाला जो लोह है वहां पे वो काम करेगा, लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और जो ये बोन मैरो वाले जो एनीमिया है वहां पे ये काम करेगा कि नहीं, ये मैं अभी नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी रहती है, यहाँ पे गुणसूत्र का यहाँ पे रोल रहता है। तो इसीलिए ये कल्प बहुत ही अलग है, यहाँ पे अभी तक रिसर्च होना बाकी है। जहां पे मेरी नॉलेज है मैं आपको बस दो ही कल्प बताऊंगा यहाँ पे, जो कि पांडु के दो कल्प है, एक जो है वो नवायत लोह और दूसरा जो है ताप्यदिल लोह। तो यहाँ पे दो संप्राप्तियां आती है, एक है संतर्पण जन्य संप्राप्ति और एक दूसरी जो है अपतर्पण जन्य संप्राप्ति। संतर्पण जन्य संप्राप्ति में कफ का आधिक्य रहता है और उसमें स्रोतोरोध रहता है, तो उसमें हम जो कल्प यूज करने वाले हैं वो है नवायस लोह। एवरी कंसल्टेंट अगर आप देखोगे तो एनीमिया रहेगा तो नवायस लोह, नहीं तो ताप्यदिल लोह, ये दो कल्प वो यूज करता है, लेकिन कौन से अवस्था में यूज करना है ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जो जैसे मैंने बताया कि संतर्पण में हमें नवायस लोह यूज करना है, बिकॉज वहां पे त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमद मुस्ता
विडंग और चित्रक, ये चित्रक जो है अग्निवर्धन करने वाला है, तो वो स्रोतोरोध में ये रसायन जो त्रिफला जो है वो रसायन है, तो उस हिसाब से स्रोतोरोध को वो कम करने वाला ये नवायत लोह है। और अपतर्पण में मुझे ताप्यदि लोह में यूज करना चाहता हूँ, और ताप्यदि लोह मैक्सिमम ये कंसल्टेंट वो यूज करते हैं, बिकॉज उसमें जो कंटेंट है वो ब्रोहन करने वाले, जैसे कि ताप्य मतलब शिलाजीत, ताप्य शिलाजीत, शिलाजीत है उसमें, रजत है उसमें, मंडूर है, और उसमें शर्करा 8 भाग है। अगर उसमें शर्करा 8 भाग है तो वो संतर्पण करने वाला ही कल्प है, तो वो अपतर्पण में देना चाहिए, और नवायत लोह में आए हुए जो कल्प है वो कर्षण करने वाले है, इसीलिए उसको संतर्पण में देना चाहिए। अगर ये दो कल्प हमें समझ में आया तो हम इनिशियल फेज में डिक्रीज फॉल्टी आरबीसी प्रोडक्शन, इस फेज पे हम काम कर सकते हैं, और इस मैकेनिज्म में ये कल्प, ये दोनों भी कल्प ये अच्छी तरह से काम करते हैं। बाकी का जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, और ये इसके लिए बहुत से फर्दर रिसर्च और फर्दर थिंकिंग की जरूरत है। और दूसरा मैं एक आपको बताने जाने वाला हूं कि पांडु के मैक्सिमम कल्प ये सीकेडी एकेडी में हम यूज कर सकते हैं। सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज, एकेडी मतलब एक्यूट किडनी डिसीज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जैसे मैंने श्लोक बताया कि उसके पांडु के लक्षण में क्या क्या आया है, सो अल्प रक्त से अल्प मेदस्क, अल्प रक्त और अल्प मेद की यहाँ पे गुंजाइश ज्यादा रहती है पांडु में, और रक्त और मेद से बनने वाला जो ऑर्गन है वो है वृक्क। अगर यहाँ पे पांडु में और रक्त और मेद की क्वांटिटी अगर कम है तो रुक्क का भी पोषण कम होगा, और रुक्क अपना काम नहीं करेगा, इसीलिए एक्यूट किडनी डिसीज और क्रॉनिक किडनी डिसीज में मैक्सिमम पांडु के कल्प हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा रिसर्च है, और मैक्सिमम यहाँ पे जो भी कल्प आए हैं पांडु और शोध, ये दोनों हर कल्प में इसकी फलश्रुति आई है, पांडु शोध, पांडु शोध, पांडु शोध। और अष्टांग हृदय में पांडु के बाद आया हुआ जो व्याधि है वो है शोध, मतलब पांडु अगर होता है तो उसके बाद में शोथ होगा ही, सिकल सेल एनीमिया में भी शोथ होता है, तो उस डिसीज में हम पांडु के कल्प यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप सीकेडी एकेडी में भी आप पांडु के कल्प यूज कर सकते हो। थैंक यू, ये मेरा छोटा सा रिसर्च है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी कंफ्यूज हो तो मुझे आप यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन के आंसरेबल हूँ। अगर मैंने ये वीडियो बनाया तो आई एम आंसरेबल फॉर ऑल द थिंग जो मैंने बोली है। थैंक यू।